तो क्या तुम लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हो? नहीं। अगर नहीं बनना चाहते तो मेरी वीडियो देखो, और अगर बनना भी चाहते हो फिर भी मेरी वीडियो देखो, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा फन से भरी हुई है और मजाक से हटके। इसके मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस देखी थी यूट्यूब पर जो कि काफी अच्छी लगी, तो मैंने लगा क्यों ना अपनी आर्केड आर्मी के साथ ही वाला गेम ट्राई किया जाए। आज हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है मार्केट सिमुलेटर, और ये गेम बहुत ही ज्यादा मजे की है, बहुत ही ज्यादा फन है, इसके अंदर एंटरटेनमेंट से भरी पड़ी है ये वाली गेम। और हाँ, अमित तो छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस छोटे से बिजनेस को हमारी मर्जी हम चार चांद लगा सके या नहीं, लेकिन चार चांद लगाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई रियल लाइफ गेम हो, मेहनत तो करनी पड़ती है काफी किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो करते हैं अपनी वीडियो का स्टार्ट, मेरे साथ जुड़े रहना, और 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो करवा देना क्योंकि बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, न्यू चैनल स्टार्ट किया है। तो अगर इसे एपिसोड मिलते रहे तो इसके लाइक भी कर देना। करते हैं अपनी वीडियो का स्टार्ट, लेट्स बिगिन। ठीक है, अभी हमारा एक छोटा सा स्टोर है, लेकिन मुझे पता है कि मैं इसको एक बड़ा एकदम आलीशान सा स्टोर बना दूंगी, कि ऐसा स्टोर किसी भी शहर में नहीं होगा। और हाँ, बैंकक्रप्ट तो मैं नहीं होने वाली क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ी बिजनेसमैन हूँ। सॉरी, कुछ बातें निकल जाती हैं मुँह से लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता मुमकिन। तो करते हैं अपनी वीडियो का स्टार्ट, लेट्स गो। बैंकक्रप्ट तो मैं बिल्कुल भी नहीं होंगी। अरे वाह, अमेजिंग, जगह तो बड़ी अच्छी है, लेकिन हमारा स्टोर इतना क्यों छोटा है? जगह अच्छी लेकिन स्टोर छोटा है, स्टोर यहाँ पे बन नहीं पा रहा, इस जगह पे टिक नहीं पा रहा सही से। मतलब देख रहे हो आसपास कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, और हमारा स्टोर देखो छोटा सा, नाई की दुकान लग रही है सच में। अच्छा बताओ क्या है ये क्या है, साइकिल पे क्यों आ रहा है? ओपन स्टोर कर दिया। अरे वाह, कार देख रहे हो, इतनी अच्छी जगह पे इतना छोटा सा स्टोर, तुम लोग खुद बताओ कहाँ जच रहा है। जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है हर जगह, क्या ही बात है। कार्स देख रहे हो कितनी अच्छी अच्छी चल रही हैं, अभी मैं सिर्फ यहाँ उधर उधर घूम ही रही हूँ। अच्छा, ट्यूटोरियल है, ऑर्डर गुड्स यूजिंग योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर का यूज़ करके हमें गुड्स मंगवानी, कोई प्रोडक्ट्स मंगवानी है, यानी कि मैं प्रोडक्ट मंगवाऊँगी फिर ये मेरा गेम लेवल अप होगा। सही है, चल भाई क्या है, मार्केट है और क्या था एक, अरे कंप्यूटर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझसे भी अच्छा कंप्यूटर लिया हुआ इसे तो भाई। बैंक के मैनेजमेंट है और ये मार्केट है, मार्केट में देखते हैं। अच्छा तो अभी तो सुबह का वक्त है, तो यही चीज़ें मिलेंगे, सीरियल, स्लाइस ब्रेड, सुबह तो लोग यही खाते हैं वहाँ के गोरे लोग। तो अमाउंट कितनी है इसकी, अमाउंट पता चलेगी? $35। अच्छा ये लिखी हुई ना, और शेल्फ है, डिस्प्ले इसका बता रहे हैं कि वो शेल्फ जो वहाँ रखे हुए उस पर ही हम पुट कर सकते हैं, इसको उसके अंदर ही रख सकते हैं। स्लाइस ब्रेड एक और मंगवा लेते हैं, फ्लोर मंगवा लेते हैं। एक मिनट में अपने डॉलर्स तो देख लूँ, $50, जस्ट $50, और मैंने $60 का सामान मंगवा रही हूँ। आई एम सो डम, वेरी डम। तो अभी हम सिर्फ एक फ्लोर मंगा के देखते हैं क्या होगा। अरे कम क्यों नहीं हो रहा ये, क्या होगा? एक कैटेगरी, एनी सही है, सर्च वर्ड भी कर सकते हैं। अच्छा सही है, यहाँ से हटेगा। ओ भाई, इतनी सारी चीज़ें मंगवा ली और मेरे पास देखो बैलेंस मेरा सिर्फ 50 है। इतनी अमीर नहीं हुई अभी मैं, लेकिन होंगे जरूर। अभी मैं सिर्फ एक ही चीज़ मंगवाती हूँ, एक ही चीज़ से हम करते हैं स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट करते हैं, इतना हवाओं में नहीं उड़ते। $35 और अभी 50 है, सही परचेज करते हैं। आ गया, कैसे पता चलेगा आ गया? वेट अ सेकंड, पिकअप द बॉक्स जस्ट अराइव्ड। कहाँ है, बाहर आया होगा? अच्छा ये रहा ये रहा ये रहा। ओ फास्ट डिलीवरी देख रहे हो, इतना तो फास्ट कोई भी नहीं आता, एक दो मिनट तो लगते ही हैं, चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छा इसके इधर लगाना है ना, शेल्फ के अंदर लगाओ, क्या करना है? अच्छा ठीक है, आ जाओ, मैंने सामान लगा दिया है, प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गए, अब बस क्या करना है इसके अंदर डालना है। हाँ भाई, इतना तो पता है कि डस्टबिन। अच्छा हाँ, हम अपने स्टोर को साफ रखेंगे, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि मैं अपने स्टोर को साफ रखूं। फिर कस्टमर आएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, फिर वो थूतू करके जाएंगे मेरे इस स्टोर पे। वैसे इतना छोटा सा स्टोर है, आसपास अमीर लोग रहते हैं। एवरेज कॉस्ट है, अच्छा प्रॉफिट हमारे 0 है, एवरेज कॉस्ट है हमारी $2.9। कैसे करेंगे, 3 कर दें इसको, 3.00। ठीक है, $3 के हम बेचेंगे। यार मैंने सही करा है ना, $3 की। पहले कस्टमर आ गया,
इसको हार पिनाओ, कुछ भी करो, मेरा पहला कस्टमर आ गया। क्या हुआ? The checkouts are, क्या था? अरे इसको इधर जाएंगे कैसा? अच्छा जब तक कस्टमर सामान नहीं रखेगा हम यहाँ पे जा नहीं सकते। क्या क्या लिया है आपने ज़रा दिखाओ। अरे वाह यार पहले कस्टमर आया, दिल चाह रहा है इसको मैं हार पिनाऊँ। अच्छा चलो इसको क्या लिया इसने, दो ये सीरियल लिए पैसे। ओहो गड्डिया लेकर आया, देख लो अमीर लौंडा लगता है। अच्छा रिसीव हमने किए हैं $7 और टोटल $6 और चेंज मुझे $1 देना है, $1 ऐसे। अब क्या करना है? अरे बस से ठीक है। अच्छा अप्रूव सही है, स्पेस बार से अप्रूव होगा। आंटी जी सब खैरियत है घर में? कार्ड दे रही है भाई अमीर आंटी हैं, देख लेना आंटी जी आपके बच्चे बच्चे आपके मसला ना कर दे जायदाद वगैरह में। कैसे पता चलेगा? अच्छा $6 दिए हैं इसने, क्रेडिट कार्ड लाइए अमीर पार्टी लगती है। लाओ तुम भी दे दो। मैं देख रू ऑफिस मैन आ रहे हैं, ऑफिस वाले लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं मेरे स्टोर पे। अभी तो सिर्फ मैंने खोला है, आगे देखो कितने बड़े बड़े लोग आते हैं मेरे स्टोर पर, बिजनेस मैन आ रहे हैं। वो देखो आंटी जी भी शोलिए से ही लग रही है कि कितनी अमीर होंगी। जिनके पास क्रेडिट कार्ड है ना वो बस मेरे स्टोर के लिए बड़ी बड़े अच्छी चीज़ है। लाओ तो सीरियल ही लेके जा। अच्छा हाँ मैंने तो सिर्फ सीरियल ही लगाया है, मैं तो भूल ही गई। चलो $3 प्रॉफिट, प्रॉफिट $36 हो गए, नाइस। लाओ दो क्या? अच्छा मुझे लगा इसने अभी क्रेडिट कार्ड दिया है। कितने इसके? $60 हैं और $1 वापस करना है ना। चल तू भी क्या याद रखी ले ले। आ जाओ। और सारा स्टोर खाली कर लिया, अभी तो मैंने लगाया था जस्ट। लिया क्रेडिट कार्ड और $6। थैंक्स फॉर कमिंग। अब क्या करना है? क्लोज कैसे करना है? अच्छा ठीक है ईज़ से करना है। यार ये तो मेरा पूरी दुकान लूट कर देगा, लूट के तो नहीं पैसे दिए हैं, अब क्या लेने आ रहा है तू? कुछ भी नहीं है, हैं वो दे। अबे कुछ भी नहीं है रुक जा। अच्छा हाँ मैंने ओपन किया, मैंने ज़रा मैं क्लोज कर दूँ वरना फिर ये लोग मायूस हो गए आएंगे और कोई ऐसा आ गया न्यूज़पेपर वाला, मेरी तो पब्लिसिटी बेकार हो जाएगी सारी। अच्छा अभी मैं और चीज़ें मंगवा सकती हूँ ना, $48 हो गए। ये टाइम क्यों चल रहा है? इस टाइम से क्या मकसद है इस गेम का? मतलब ये सुबह रात को दिखाता होगा ना शायद। अब भी मेरे पास $48 है तो मैं और भी चीज़ें मंगा सकती हूँ। तो एक सीरियल मंगा लेते हैं, स्लाइस ब्रेड मंगा लेते हैं, सही है भाई। अच्छा काट करना है, दो दो मंगवा ली मैंने 95। ओह नहीं 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 कम करो कम करो कम करो, अभी भी कम। ओ भाई साहब मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, सीरियल से गुजारा करना पड़ेगा, सीरियल ही मंगवा लो, ज़्यादा हवाओं में नहीं उड़ना। अभी सीरियल मंगवाते, बस दो सीरियल मंगवा लें, मतलब के दो डब्बे सीरियल के, तीन मंगा लें। $1000 के हो रहे हैं। नहीं नहीं $35 के, यार एक ही मंगवाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है मैंने प्रॉफिट बहुत कम रखा है, प्रॉफिट में थोड़ा ज़्यादा करती हूँ, थोड़ी सी प्राइस और इंक्रीज़ करते हैं इसके, $4 कर दें, देख लेंगे ना कस्टमर खुद ही नहीं पटलेगा, ज़्यादा लगेंगे उसको खुद ही भाग जाएगा, ठेका थोड़ी रखा है हमने कस्टमर की गरीबियों का। अभी मुझे स्टोर रूम को चलाने के लिए थोड़ा सा अपना दिल को सख्त करना पड़ेगा। आ जाओ ओपन कर दिया है। अरे आंटी जी क्या आप मेरे छोटे से स्टोर रूम में आना पसंद करेंगी? चल एक और आ गया, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। जल्दी जल्दी ले, ये कल्लू बहुत आ रहा है। ओ क्या लिखा हुआ, एक तो ये समझ नहीं आ रहा, अचानक गायब हो जाता है चेकआउट ऑफ फुल। क्या हुआ क्यों नहीं ले रहा? चल ना कांट रिमूव द लेबल। अच्छा सही है, प्रोडक्ट हो गया तो हम लेबल को रिमूव नहीं कर सकते। अरे क्या चाहिए तुझको, क्या मसला हो गया, क्यों इतना परेशान है? मुझे अपनी परेशानी तो बता। अभी कुछ लिखा हुआ भी आ रहा था, मुझे लग रहा है इसको $4 कुछ ज़्यादा नहीं लग रहे, $3 कर देते हैं। A few moments later. नहीं है मेरे पास इतने डॉलर, परचेज ही नहीं कर सकती मैं, इनका क्या मसला है? रुको मुझे क्लोज करने दो पहले, मुझे समझ ही नहीं आ रही। रुक ले तो रहे हैं, चेकआउट इज क्लोज्ड। क्लोज कैसे? अच्छा 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 सही है सही है, नहीं तो क्लोज
तुम आओ तो इधर। ओके, जब तक मैं यहाँ खड़ी नहीं होंगी ये लोग आएंगे नहीं। सही सही है। अरे बेवकूफी, तो मुझे मारो मारो मुझे मारो। क्या करना है, इधर था ना $3। देखो यार, मुझे लगा था कि ये लोग खुद ही आएंगे इधर। हद होती है, इतना टाइम वेस्ट करवाया ना मैंने कस्टमर का, बाहर जाके गालियाँ देंगे मुझको सही वाली। $0 है तो फिर क्या करना है। $0 है ना, मतलब कि है ही नहीं उसके पास, उसको रिटर्न में कुछ देना ही नहीं है। क्रेडिट कार्ड वाली आंटी आई हैं अभी, तो बेचारे सिर्फ सीरियल ही लेके जा रहे हैं। बोल रहे सिर्फ इतनी सी दुकान खुली हुई है पूरे शहर में, अब इसी से गुजारा करना पड़ेगा। $0, चल भाई ले आओ ले आओ सब ले आओ, रात भी होने वाली है, घर पे जल्दी जाओ, माहौल अच्छा नहीं है। चल देख लो, $36 बना दिया मैंने अभी के अभी। अच्छा काट दिया है ना इसने, चेंज नहीं है, चेंज तो नहीं है, इनसफिशेंट चेंज। ओहो क्या दिया था इसने, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा, काट दिया है या नहीं। $1 देना है। अच्छा अच्छा हाँ, इसने मुझे पैसे दिए। चल भाई जा, तू भी जा जल्दी घर पे, टाइम नहीं है, इतना रात होने वाली है। $2। अच्छा ये $2 सही है, इतना छोटू छोटू लिखा हुआ है, आई साइड चेक करानी पड़ेंगी। सब चले गए, सुकून मिल गया इनको, चेकआउट पे मैं खड़ी हो गई, एक ही सीरियल बचा के चले गए। अरे कार देखो तुम लोग, सब छोड़ो कार देखो, इसमें क्या बैठ नहीं सकती। टैक्सी वाले ज़रा थोड़ा सा अपने सामान वामान ले जा, रात को तू जा रहे घर पे। अच्छा मार्केट में जाते हैं और ये मंगवा लेते हैं। अरे यार कितना मुश्किल हो रहा है ये, एक ही मंगाते हैं अभी। ओहो क्यों नहीं हो रहा, $35 $48 है ना, तो क्यों नहीं आ रहा ये। मेरा सेकंड इसको ख़त्म करो और एक मंगवाओ बस। हाँ अच्छा, क्लोज आफ्टर 9 PM, 9 PM के बाद बंद हो जाता है, तो सुबह कैसे होगी इसके अंदर। ओपन तो कर लिया, अच्छा सही है, इंटर तो फिनिश्ड है, इंटर के बाद हम अपना डे को फिनिश कर सकते हैं। अरे वाह, इसमें हम खुद से भी सुबह कर सकते हैं। यू विल रिसीव डेली बिल्स स्टार्टिंग टुडे, मेक श्योर टू पे द बिल्स यूजिंग योर कंप्यूटर बिफोर देयर ड्यू टू डेट और दे विल बी पेड ऑटोमेटिकली। अच्छा भाई क्या बकवास है, तुम देख रहे हो $48 है मेरे पास, और $48 में मैं बिल्स भी पे कैसे करूँगी, मेरे पास तो एक सीरियल पड़ा हुआ है, मैं बिल्स भी पे करूँ। ये तो मुझे लग रहा है मैं बैंकक्रप्ट होने वाली हूँ, सही वाली बैंकक्रप्ट होने वाली हूँ। मुझे लगा ही था। ओके तो मैं इस बात से तो बिल्कुल समझ गई हूँ कि मैं एक बिजनेस वूमेन नहीं बन सकती, मैन तो नहीं वूमेन। अच्छा इसको अभी तो नहीं है ना, 48 प्रोडक्ट को हटाते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, मैनेजमेंट में बिल्स वगैरह आए, अभी तो कुछ भी नहीं है ना, बिल्स है ना रेंट है, अच्छी बात है, ये तो कोई आया थोड़ी है। अच्छा ये लाइट्स वाइट्स तो सब बंद है, नहीं ये लाइट खुली हुई है, रात के टाइम खुलती होंगी ना, अभी तो बंद होगी। यार मैं भी कितनी पगलूट हूँ। अच्छा अब ओपन करते, नहीं रुको थोड़ा सा हम सीरियल वगैरह मंगा लेते हैं, अभी तो $48 है ना, एक सीरियल मंगा लेते हैं। ये कितने का है, इसको मंगा, $95 का, हाँ इसको मंगा लो और इसको हटा दो। यार इसको तो कम करो, अब आएगा, इसको यहाँ लगाते हैं, थोड़ा सा यहाँ लगाते हैं, और उनके आने से पहले चेकआउट पे खड़े हो जाएंगे ताकि उनको ज़्यादा इंतज़ार कराना नहीं पड़े। $4 ठीक है ना, हाँ $4 काफ़ी है, $5 कर दूँ। मार्केट प्राइस $5 है और मैंने 4 करी हुए, वाओ $5 करो, 5.80 कर देते हैं। अब आएंगे ना अंधाधुन पैसे आएंगे मेरे पास। स्टोर रूम को किसी न किसी तरीके से हमें बहुत ही बड़ा करना है, या भी छोटू मोटू सा स्टोर रूम है ना हमारा, ये जो सुपर मार्केट है हमारी छोटी सी, इसको काफ़ी बड़ी बनानी है सुपर मार्केट, और ऐसी ब्रांचें मुझे यहाँ पे भी खोलनी है, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, और हर जगह खोलनी है मुझे, ये पूरी जगह मुझे चाहिए। अभी हम क्लोज है ओपन है, अच्छा ओपन कर दिया। यार ये क्या मकसद है इसका, ये चेकआउट क्लोज्ड, अब आ रहे हैं लोग पता नहीं क्या है, यहाँ पे खड़ा होना है क्या मुझको, ये मुझे समझाओ ये क्या बकवास है। अच्छा
उसने उन्हीं $14 उसको देने हैं, तो ये ले। और तू भी क्या, अच्छा हाँ ये भी तो देने होते हैं मुझको। अरे जब भी तो मेरे पास पैसे नहीं बन रहे, ये सेंट्स भी तो देने होंगे ना मुझको उसको। ओले एक और डॉलर होगा, अब आए पूरे पैसे उसके पास। जा भाई आ जा, एक ही लेके गया टकला, चंपी वंपी कर तू। कार्ड लेकर आया है, तमीज से बात करो। चल भाई $5, अब देख रहे हो कैसे अंधाधुन पैसा आ रहा है मेरे पास। और इसका तो नहीं है चेंज, निकल यहाँ से। कस्टमर से अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। और इसको भी दे देते हैं हम। सर आइए, कार्ड वालों को अलग से इज्जत देनी है ठीक है, वो थोड़ा आसान मेथड होता है। अभी भी है सीरियल ठीक है, मैं और नहीं मंगा सकती, रुको। अभी तुम्हारे पास है ना डॉलर, वेट एक और मंगा लेते हैं। ही ही। क्या क्यों पैसे, अच्छा $33 है अभी मेरे पास। अरे यार मुझे लगा मेरे पास पैसे हैं इतने, थोड़े से और पैसे कमाने होंगे एक सीरियल को लेने के। देख रहे हो कितनी मेहनत है गेम में, इतनी मेहनत लग रही, रियल लाइफ में अगर खोल लिया तो हवा टाइट हो जाएगी। नहीं है चेंज इसका। अच्छा भाई कार्ड वालों को तो अलग से इज्जत है। $280, चल निकल यार। मैं क्यों भूल गया कि कस्टमर को इज्जत देनी चाहिए, बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो। और चलो अब मंगा देना, $50 हो गए, एक मंगा लेते हैं। एक 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 दो नहीं, इसको हम एक ही कर देते हैं। हाँ आया होगा ना बाहर, चलो आ रहा है थोड़ा थोड़ा खेलना। ये लो आंटी जी आपके लिए, अभी अभी ताज़ा ताज़ा सीरियल मंगवाए हमने, खाओगी एक दफ़ा बार बार आओगी। यहाँ पे मैं खड़ी हो जाती हूँ, नहीं आंटी जी आएंगी नहीं कभी भी। आ जाओ आंटी जी। अरे मैंने इन आंटी जी के लिए इतने सारे सीरियल मंगा के रखे और ये जस्ट एक ही लेने आई है, शक्ल से गरीब लग रही है। तो $14, 1, 2, 3, 4, अच्छा ये हो गए, अच्छा एक और डॉलर और ये 20 सेंट। चलो आंटी आप भी क्या याद रखोगी, सेंट में तो याद ही नहीं रहता मुझे, जो डॉलर पे ही था। कार्ड वाले आए हैं, चलो सीरियल से देखो मैंने कितने कमा लिए, $24 कमा लिए अभी। अभी देखो ये सारे सीरियल ख़त्म होंगे ना कितने डॉलर बनते हैं। अभी मेरे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं और बिल्स भी पे करने हैं, टेंशन देख रहे हो। आओ $11.60 हो गया, फिर आना चंपी करा के अपने बालों की। बाल तो नहीं है, टकला है। $58, अच्छा इसने ये दिया है, नहीं है ना इसका चेंज नहीं है, चेंज नहीं है। अच्छा 20 सेंट है, ये छोटू सा दिखता ही नहीं है। ओ भाई मैं तो जा रही हूँ अपना इलाज कराने आँखों का। अच्छा इसमें कितने हैं, $4 हैं और 20 सेंट्स हैं। चलो फिर से आना, उससे पहले एक प्रोडक्ट कर लेते हैं हम परचेस। यार अब स्लाइस नहीं कर सकते, हाँ ना हो सकती है, देखो ना $11 की है। $51 की है, मुझे लगा $11 की है। एक और करूँगी तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा। अरे हो गया, वेट कितने डॉलर की है, रिमेनिंग 51। हाँ ना देखो ना ऑर्डर में $11 का शिपिंग के चार्जेस लगा के $2 हमारे एक्स्ट्रा होंगे, तो मतलब टोटल हमारे $13 का एक वो बॉक्स आएगा, यानी एक प्रोडक्ट आएगा ये जो स्लाइस है, और हमारे पास इतने बचेंगे और बैलेंस मेरा इतना है, तो मैं एक ऐसे मंगा लेती हूँ, सही है इतना मंगा लेती हूँ और इस पर अच्छा वाला प्रॉफिट लगा के मैं इसको सेल करूँगी। अंधेरे में तो दिख ही नहीं रहे ये लोग बिल्कुल भी। $4 हैं और 20 सेंट है। चल भाई अगेन, बार बार वही घूम घुमा के वही कस्टमर दे रहे हैं मुझको। मुझे क्या है, मुझे सिर्फ अपने डॉलर से मकसद है। अच्छा हो गया निकल। ये वो देख रहे हो इसकी शक्ल, देख रहे हो एक बार, एक दफ़ा शक्ल देख रहे हो। खैर मुझे शक्ल से क्या, मुझे तो अपने डॉलर से मतलब है, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ रहा ये। अच्छा ये 1, 2, 3, 4, थोड़ा सा इसको तंग करते हैं, रात को जाएगा लेट घर पे तो पीटेगा मेरी वजह से। चल जा
तू भी क्या देखेगा, मेरे माउस के स्पीड ने इसको बचा लिया वरना घर पे जोर से पिटता ये, इतनी लेट हो जाता तो। $5.80 यार, एक एक क्यों लेके जा रहे उसी, अच्छा बच्चे ही नहीं है उधर। $4 इतने पैसे नहीं लाया करो, चेंज देना पड़ जाए, बहुत आलकसी आती है। चलें अपना ख़त्म करते हैं दिन को, अच्छा सेटिस्फाई कंप्लीट। देखो 21 कस्टमर इतने खुश होकर गए मेरे स्टोर से, इज्जत जो दी है स्टोर पॉइंट। ओह सही, इनकम हमारी काफ़ी हुई है, सप्लाई कॉस्ट ओहो चलो कोई बात नहीं, टोटल प्रॉफिट हुआ है काफ़ी, $11 का टोटल प्रॉफिट हुआ है, बैलेंस मेरे 60 हुए हैं। स्टार्ट नेक्स्ट डे, यस थर्ड डे हमारा हो चुका है और मेरा स्टोर इतने सारे आ गए, चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छा भाई मेरा नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका है डे, और एक सीरियल के साथ वो भी, लेकिन मेरा इसके अंदर एक सबसे बड़ा मिशन है और सबसे बड़ा एक मकसद है इस स्टोर रूम को चार चांद लगाने का, मतलब इस स्टोर रूम को बहुत ही बड़ा करना है मुझको और ऐसा बनाना है कि किसी ने देखी ना होगी। चलो भाई यहाँ पे इसको लेकर चलते हैं, स्लाइस लगाते हैं पहले, सुबह का वक्त है स्लाइस खाना ज़रूरी है। 99 कर देते हैं, 3.99 हो गए, 96 है ना मार्केट प्राइस, थोड़ा प्रॉफिट भी होगा। $3 का प्रॉफिट होगा, मजाक नहीं है। एक सीरियल भी मंगा लेते हैं, अभी हैं पैसे मेरे पास, इतनी गरीब नहीं हूँ मैं, मतलब आपको। ओके तो दो सीरियल मंगा लेते हैं, यार ये क्या मसला है, ये दो सीरियल के इतने पैसे क्यों हो रहे हैं। अच्छा शिपिंग वगैरह भी तो होती है ना, इसको फिर एक कर दो, अब परचेज कर सकते हैं। 2000 years later. चलो इसको ओपन करते हैं, आ जाओ। ये मेरा ये सर सर एक मिनट, एक थोड़ी सी बात सुन ले मेरी, फिर आप चली जाइएगा, मेरा वहाँ पे एक छोटा सा स्टोर है तो क्या आप विजिट। अरे सुन ले भाई, नहीं ये लोग तो चले जा रहे हैं, इनको कुछ ज़्यादा जल्दी छोड़ो, हम किसी ऐसी प्यारी सी लड़की को पकड़ते हैं जो कि मेरी तरह हो, प्यारी सी खूबसूरत सी और ये थोड़ी सी कार रुके हैं मेरे पास। हेलो सर, यहाँ पे ये थोड़ा सा और आगे जाके है मेरे एक स्टोर रूम है, सो क्या आप विजिट करना चाहेंगे। मैं एक छोटा सा स्टोर रूम है लेकिन इसको बाद में बड़ा कर दूंगी तो तुझे मैं घुसने नहीं दूंगी अगर तू अभी नहीं गया। हेलो आंटी जी, यहाँ पे मेरा एक स्टोर रूम है। सही है, अभी कोई नहीं सुन रहा। अरे आ गई आ गई, देखा मासूमाना अंदाज मेरा काम कर गया इधर। चल भाई आ गई, आ जा। ओके पहली कस्टमर आई है, मिन्नत समाजत करिए, मैंने काफ़ी इसकी बहुत ही ज़्यादा मिन्नतें करवाई हैं इसने, तो ये रे इसको मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगी, फ़ौरन इसको मैं उसका चेंज दूंगी वरना मैं बहुत तड़पा के दूंगी जो मेरी बात नहीं मानेगा। रात अभी भी नहीं हुई है, अभी भी है, सूरज निकला हुआ है, प्रोडक्ट खत्म है, प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं। ओके अब मैं फ्लोर भी मंगा सकती हूँ ना, $134 हो गए, मुझे तो लगे नहीं था कि $100 से ऊपर बना पाऊंगी मैं। एक ये मंगा लेते हैं, $7 का है, एक और कर लेंगे बाद में। ऑयल मंगा लेते हैं, पास्ता भी मंगा लेते हैं, शुगर पाउडर भी मंगा लेते हैं, अमीर जो गए हम। ओके अब को ओ कुछ ख़त्म करना पड़ेगा, देख रहो और रिमेनिंग तो बचे नहीं है, तो ऑयल को कर देते हैं ख़त्म। अभी सबसे ज़्यादा कौन सा है इसके अंदर, ये हटा देते हैं। हाँ अब मंगाते हैं ना चीज़ें, आ गई आ गई। ये कार जो घूम रही है, मैं दिल जा रहा है इसको चमाटे मारूँ, ऐसे घूमे जा रही है और मैं दिमाग ख़राब करे जा रही है, कुछ लेने तो आ नहीं रही है। ये कार एक दफ़ा लेने आ जाए ना, इतने सारे डॉलर बन जाए मेरे, क्योंकि अमीर पार्टी लगती है जो भी इसके अंदर बैठा हुआ होगा। ओके चलो अब इसको रखते हैं, और मैंने पहले ही ओपन कर दिया है, ये लोग तो बगैर प्रॉफिट के ले जाएंगे सब कुछ। स्लाइस लगा दो इधर, अभी रुक जाओ मैं आ रही हूँ, मुझे एक बंदा नहीं रख सकते यहाँ पे कोई। सुसु ये सुसु क्या है, अरे नाम तो सही रखो प्रोडक्ट के। चलो ये सुसु ने इधर लगा दिया है, ओए रुक जाओ प्रॉफिट तो कमाने दो मुझे, अपने प्राइस तो कर ले दो, प्राइस मैंने रखी नहीं है अपनी, और ये लोग आ गए। 99 कर देते हैं, जब चलो $4 का प्रॉफिट होगा, अच्छी बात है यार। प्रोडक्ट के नाम से ही रखो, इसका नाम क्या है रुको जरा देखने दो, अरे कितने लोग खड़े हुए हैं, पंजाटी।
नाम बड़े अच्छे हैं। ओके ये कोर क्या है, अब इसका नाम बताओ। अरे चाचा जी आगे से तो हटो, मास्टर फ्लोर। ओके हो गया डन। अच्छा 46 चला है तो 4 पॉइंट और 50 कर देते हैं। $3 का प्रॉफिट होगा। ओके रात भी होने वाली है, जल्दी जल्दी करते हैं। आ जाओ, कितने कस्टमर आ गए देख रहे हो, पाव रखने की जगह नहीं हो रही, इतने कस्टमर मिल गए मुझको। ये होता है प्रोडक्ट को ज़्यादा लगाने के उसमें फायदा। आ जाओ, कितने चाहिए इसको। चल भाई जल्दी जल्दी आओ, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवा रही, रात का वक्त हो रहा है, मुझे अपना डे भी ख़त्म करना है। अच्छा ये 7.98 को भाई, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें लेके जा रहे हैं, अमीर अमीर पार्टी आ रही हैं। ओके डॉलर तो अभी मेरे पास कम है, हाँ प्रोडक्ट मंगाया था ना मैंने इस वजह से। सूसू दो सूसू लेके गया है ये यार, प्रोडक्ट के नाम से ही करो तुम लोग गेम डेवलपर्स। अच्छा हो गया, आते जाओ जल्दी जल्दी, रात का वक्त है, इतना हम किसी को नहीं टिकाते रात को। ओके $60 देख रहे हो, शॉर्टकट। और कौन है, इसने कार्ड दिया, कार्ड वालों के लिए अलग से हमारे पास इज्जत है, कार्ड वालों को तो अलग से इज्जत देंगे, वो अमीर पार्टी होते हैं। अच्छा 99.01 इतना तू पागल है, $100 दे दिए, हद होती है, और सिर्फ $1 की चीज़ लेके क्या, कितना पागल है ये, दिमाग ख़राब, इतना कौन चेंज देता है। ये तो वही होगा, 100 रुपये लाते हैं फिर लोग बोलते हैं खुल्ले नहीं हैं, और फिर वो 1 रुपये की टॉफ़ी लेकर चले जाते हैं और उसके बदले खुल्ला ले जाते हैं, ये होता है बड़ा अपने कंट्री में। 99.91 अच्छा 99 देने ना, ये ले 99.1 सेंट। ओके निकल, काफ़ी ज़्यादा चेंज भी आया था ये। अच्छा 95, अरे इतने ज़्यादा पैसे क्यों ला रहे हो, वैसे मेरे पास टाइम नहीं इतना, रात हो रही है, मुझे अपना स्टोर रूम बंद भी करना है। ओके 50 है, 50 तो डायरेक्ट दो, कस्टमर आए जा रहे हैं, खुशी देख लो। एक बिजनेसमैन के लिए क्लाइंट लाना या कस्टमर लाना, उससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। ओके ये लो, और $4, ये अच्छी बच्ची है, इसलिए सिर्फ एक सूसू खरीदा है, मतलब कि वो एक चीनी खरीदी है। प्रोडक्ट का नाम ऐसा है, हाँ मुझे गलत मत समझना। चलो ओके, पापा जाती खरीदा इन्होंने, और पापा जाती मुझे नहीं याद इसका नाम क्या था, 2 सूसू खरीदे, मतलब वो प्रोडक्ट खरीदा, मैं बार बार नहीं बोलूँगी, जो नाम है वही है। अच्छा $88 यार, इतना हम पैसे मत लाओ, मुझे भी अपने घर जाना है क्या, स्टोर रूम में ही रहना है क्या। अच्छा ये क्या है, मैं वैसे बार बार मैं स्टोर रूम क्यों बोले जा रही हूँ, तो मेरा स्टोर है ना, मार्केट है एक तरह से, इतना छोटा है कि मुझे स्टोर रूम ही लग रहा है ये, हद है, अब मैं नहीं बोलूँगी स्टोर रूम इस चीज़ को। मेरा स्टोर है, अपनी मेहनत से बनाया हुआ स्टोर, मैं इसको स्टोर रूम बोल दूँ फिर तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी मेरे स्टोर की। अच्छा ये लो, ग्रोसरी स्टोर बोलेंगे अब इसको हम, ख़त्म। ओके सो हमारे सारे कस्टमर चले गए, और अभी भी शेल्फ में चीज़ें, यानी मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मंगवा ली थी, तो अभी हम करते हैं अपनी सुबह। और ओके 23 इनकम काफ़ी ज़्यादा हुई है, बैलेंस हमारा $150 बना है, ये $150 मैंने बना लिए, $50 से स्टार्ट किया था और $150 मैंने बना लिए। अच्छा पहले एक मिनट ज़रा मुझे रुको, बिल्स चेक करने दो, बिल वगैरह आए मेरे पास। ओके $20 का एक बिल आया है, रेंट है, अच्छा बिल्स और रेंट अलग अलग हैं, तो ये मैंने जगह क्या रेंट पर खरीदी हुई है, मेरे खुद की नहीं है। यार ये तो गलत बात है, मुझे लगा ये मेरे खुद की है, यानी मुझे इस जगह का भी रेंट देना पड़ेगा, मेरे साथ तो धोखा हो गया ये बहुत बड़ा वाला। चलो कर देते हैं, अब क्या कर सकते हैं, रेंट की जगह है, गरीब है अभी, शायद हम खुद का भी ले सकते हैं स्टोर। सो गाइज आज तो मुझे बहुत मज़ा आया, और अपना एक बिजनेस स्टार्ट करके, चाहे वह गेम में ही हो, लेकिन मुझे काफ़ी मज़ा आया इस गेम को खेलने में। और आगे अगर इसके एपिसोड देखने हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और हाँ हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, सो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।